ऑलरेडी गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके का फेस स्मूथ एंड गोरा करना सिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप 2 मिनट में। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो के अंदर में एक सीक्रेट ट्रिक बताया हूँ, जिसके मदद से आप लोग ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप के अंदर फेस को गोरा कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। सो गाइस चलिए कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, फेस को स्मूथ करने के लिए मैं यूज करूंगा ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन एंड इसे आप लोग प्ले स्टोर पर बहुत ही इजीली फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, सो गाइस मैं इस फोटो को शेयर कर लेता हूं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर एंड शेयर करने के बाद गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग फेस को स्मूथ कर पाओगे। ठीक है, जब गाइस फोटो ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली गाइस आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, यानी पेंसिल वाले आइकन के अंदर टैप कीजिए और टूल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से गाइस आप लोगों को सबसे पहले फेस को स्मूथ करना है, तो गाइस आप लोगों को ये जो ब्रश दिख रहा है ना, इसे सिलेक्ट करके सेटिंग को ओपन कर लेना है और सेटिंग को कुछ इस तरीके से रखना है, साइज को अपने मुताबिक से, और फ्लो को आप लोग 1% रख दीजिए और नीचे का जो ऑप्शन है उसे भी 1% रख दीजिए। ठीक है, आप लोगों को बैग आ जाना है और जूम करके गाइस कुछ इस तरीके से फेस के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे उतना ही आपका फेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं घटता है एंड फुल एचडी में गाइस फोटो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस कितने इजी तरीके से मैं फेस को स्मूथ कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस कितने इजी तरीके से मैं फेस को स्मूथ कर लिया। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग फेस को गोरा कर पाओगे सिर्फ ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप को यूज करके। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोग फेस को गोरा कर पाओगे। इसके लिए गाइस आप लोगों को सबसे पहले लेयर के अंदर टैप करना है और प्लस वाले आइकन के अंदर यहाँ पर टैप करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को लेयर के अंदर प्रेस करना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को ओवरले पर टैप करना है और गाइस आप लोगों को बैग आ जाना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद गाइस आप लोगों को नीचे स्वाइप करके मीडियम ब्रश को ढूंढ लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मीडियम ब्रश, और उसके बाद गाइस सेटिंग को ओपन कीजिए। गाइस सेटिंग को कुछ इस तरीके से रखना है, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद गाइस बैग आ जाना है और यहाँ पर नीचे डॉट देख सकते हो, इसके अंदर प्रेस करके आप लोगों को व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, करने के बाद गाइस आप लोगों को फेस के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, इसे भी हम लोग मैनेज करेंगे बाद में। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर ज़्यादा ब्राइट लग रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से गाइस आप लोगों को लेयर के अंदर प्रेस करना है और लेयर के अंदर टैप करके आप लोगों को ओपेसिटी को माइनस की तरफ कर देना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितना गोरा चाहते हो उतना ही दे पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने इजी तरीके से गोरा हो गया फेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग फेस को गोरा भी कर पाओगे यहाँ से, और क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं घटेगा यार एंड फुल एचडी में फोटो एडिटिंग हो जाएगा आपका। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एक बार यूज़ करके देखना गाइस, आपका जो फोटो का क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड फेस भी स्मूथ हो जाएगा और फेस भी गोरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ये सारे चीज़ कैसे करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो यार, इतने छोटा वीडियो के अंदर में इतना कुछ सिखा दिया। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही था, मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ ओपेसिटी को। ठीक है, एंड आप सही लग रहा है, आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।